अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचा है सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तोड़ के 10 साल हो गया, दीवार बनाते दीवार बनाते दीवार बनाते, थोड़ी बनाए छोड़ दिए, हमारे तरफ ने बनाए, पूरा पानी हमारे घर में घुस गया। अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे बोलो, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे बोलो। ये घर है बोल के हम बना लेके रहे, हमारे को क्या मालूम ये पानी ऐसा आता सो। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम नहीं लेना था ज़मीन, लिए बाद से भी तोड़ दिए, फिर बनाते बोल के 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, बनाने को राजी नहीं है। इतनी बड़ी बनाए सो घर तोड़ दिए, अब बनाते बनाने का नाम ही नहीं है। सब जगह है, डबिलपुरे में कर रहे, याकूतपुरे में कर रहे, चार नारे कर रहे, पाशा खादरी साहब उन्होंने सब MLA उधर कैसे कर रहे, इधर का कोई भी चार दिन से फंसे हुए हमारे को फंसे हुए, हमारे को कोई भी इज्जत नहीं है, लोग का खाना भेज ला के दे रहे तो खा रहे हम, वो भी प्राइवेट लोग ला रहे, गवर्नमेंट के आदमी नहीं ला रहे, प्राइवेट लोग जो है तो थैलों में डाल के दे रहे, पीछे से बकेटा डाल के खाना ले रहे हम लोग, गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं है जी, हुकूमत से कुछ भी नहीं है, क्या भी पूरे आगे खाली वहाँ पे टांग डाल लेके वहाँ ब्रिज पे बढ़े आ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वो एक MRO मैडम आए थे, उन्होंने मिलिट्री विल्ट्री को बुला के फोर्स को रेस्क्यू करे, इंगला कुछ भी नहीं कर रहे, खाली आ रहे वहाँ बैठ रहे चले आ रहे, खाना वाना कुछ भी नहीं। मौजम साहब तो इधर तो कुछ इधर रुख नहीं है, मौजम साहब का रुख नहीं है, फिर भी अकबर साहब का है इधर, उनका उनके बड़े भाई का है, उनका तो दिल इधर है कि नहीं, बस बहादुरपुरा में छे उनो, यहाँ आके क्या करे, आके कुछ भी नहीं, 5-10 देख आधा घंटा बैठे होंगे, चल गए बहुत देर तक बैठे जी, आपसे बात ही नहीं आए तो नहीं, कोई बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, और मेरे को रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है मेरे को चलने फिरने को रास्ता भी नहीं, सामान चलेगा कुछ भी सामान नहीं बचा, ये दीवारा टूट गए, बाजू के सामने का मेन खंबा था, खंबा गिर गया पानी में, मीटरा चले गए हमारे भाई के, मीटरा टूट गए, पूरे गाड़ियां खराब हो गई, ऊपर के टीना चले गए, वहाँ खंबा था वहाँ पे लाइट का, मेन खंबा थे वो पूरा खंबा गिर गया, इधर दीवार थी, इधर के दीवारा गिर गए, ये बाजू के दीवारा गिर गए पूरा, उधर अंदर तो पूरा और ख़राब है, अंदर के भी घर गिर गए, पूरे जानवर भाई क्या रहे, गायें आया बकरियाँ ये वो है पूरे। अब घर के सामने कोरोना हो रहा है, कोरोना से बचो बोला तो ये साफ भी नहीं कर रहा कोरोना से, इससे पहले ऐसी और एक जाली उधर थी, इससे पहले पानी में वो भेगे चले गया, अब ये बच्चे भी है, और अब जो इस बार ये दीवार टूट गई, इससे पहले पानी भरा तो वहाँ की जाली चले गई, उधर भी एक ऐसा था, ये सेम जैसा है ना, सेम उधर भी वैसी था पूरा, वो भी टूट के चले गया इससे पहले, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरा पानी भरे हुआ है घर में, कुछ सामान नहीं है हम लोग के पास, पूरा नाला बनाना, हम लोग नाला बना के क्या है क्या नहीं करना, रास्ता देना, खर्चा देना, हमारा क्या खर्चा हुआ वो खर्चा देना, टीवियाँ खराब हो गए, कपड़े खराब हो गए, गैस चले गए, बिस्तर चले गया, सब कागजा भीग गए, पेपरा भीग गया, आधार कार्ड खराब हो गया, वारंटी कार्ड खराब हो गए, सब खराब हो गए, हमारा पूरे फ्रीजा वॉशिंग मशीन सब खराब हो गए, कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी पूरे पानी में, बल्कि सुखने डाले धोले के क्या करना बोलो, पहनने को कपड़े तक नहीं हमारे घर, फिर भी हमारी गेट बंद है, सामान अंदर का अंदर खराब हो गए, वो तो गेट खुल गए, पूरा सामान बाहर निकल गया लोगों का, दीवारा गिर गए इधर, कुछ भी नहीं है खाने पीने को, कुछ भी नहीं है उधर के लोगों को, इधर से रस्सी डाल के छोड़ रहे थे खाने के वास्ते, अब उधर के लोग आ भी चले गए, रस्सी डाले, रस्सी दिख रही ना ये, रस्सी पे तो खाना पहुंचा रहे थे लोग, सब डर के चले गए, हम तो है यहाँ, हमारे को जाने को कोई भी नहीं है, रास्ता है ना कुछ है, जाने कहीं भी निकल भी नहीं सकते हम लोग, कोई भी नहीं है, वो उधर बोटों पे आए थे, इधर नहीं आ सकते हम लोग, पूरा फ्लो इधर का है, अब उधर जो गली में थे उन लोगों को निकाल लिए, हम लोग को तो नहीं निकाल सकते यहाँ से,